सुप्रिया जी, क्या आपको वाकई लगता है, आंकड़े तो नूपुर जी ने बता दिए, हमने बता दिए, आपको लगता है कि वैक्सीन जितनी मिल रही है उसी में हमें काम चलाना होगा, ऑर्डर्स देने होंगे और धीरे धीरे ही ये काम होगा, एक साथ एक दिन में पूरी आबादी को, पूरे देश को वैक्सीन नहीं लग सकती, या कहीं ना कहीं कुछ कम से कमी रह गई? सुप्रिया जी, मैं दो बातों से अपनी बात शुरू करूंगी सैयद जी। मैं ये जरूर बताना चाहती हूं और ये सर्वविदित है, आंकड़े जो होते हैं वो इंटरप्रिटेशन के लिए बाध्य नहीं होते। आंकड़े सीधे सपाट होते हैं, ना वो सच को झुठला सकते हैं ना वो झूठ को सच सिद्ध कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव पिछले एक महीने में 87% कम हो गया। आंकड़ों के मुताबिक हमारे यहाँ पहली डोज अभी 13,54,00,000 लोगों को लगी है और दूसरी डोज मात्र 3,72,00,000 लोगों को लगी। तो हमने अपनी पॉपुलेशन की कुल जनसंख्या के 1.8% को ही अभी वैक्सीनेट किया है, क्योंकि वन डोज का कोई मतलब नहीं। मैं एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ और थोड़ा तथ्य सामने रखना चाहती हूँ। आज की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स या WHO का डेटा या सरकार का अपना डेटा, जो डेटा सरकार दे रही है वो बता रहा है कि 1 अप्रैल से अभी तक मौत के आंकड़े 10 गुना बढ़ गए हैं, 10 times। 1 अप्रैल को 400 मौतें हो रही थी, अब लगभग 4,000 मौतें हो रही है। संक्रमण का आंकड़ा करीब करीब 5 गुना बढ़ा है, लेकिन डेथ का आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया है। द ओनली सोल्यूशन वी हैव इज कि हम ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कर सकें। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि अभी जिनको पहला टीका लग चुका है 13,54,00,000 लोगों को, उसमें से 3 करोड़ माइनस कर दीजिए, 10 करोड़ बचते हैं, उनको दूसरा टीका लगेगा या 18 से 44 वर्ष की युवा जनता को पहला टीका लगेगा? ये एक गंभीर विषय है और सोचने वाला विषय है। आज कोरोना गांव देहात में पहुंच गया है, गांव देहात में कितने लोग कोविन ऐप रजिस्टर करके टीकाकरण करा सकते हैं? मैं संबंध रखती हूँ महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, बहुत ही ग्रामीण इलाका है और वहां पर टीकाकरण नहीं हो रहा है क्योंकि टीके नहीं उपलब्ध है। यही स्टोरी नोएडा की है, गाजियाबाद की है, दिल्ली की है, क्योंकि टीके नहीं है। 87% गिरावट टीके न होने के कारण आई है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ और ये जरूरी बात है जो आपको और आपके दर्शकों को मालूम होनी चाहिए, आपको तो पता ही होगी। हमने WTO जिनीवा में बोला, हिंदुस्तान की सरकार ने जाकर आधिकारिक तौर से बोला कि वैक्सीनेशन का जो पेटेंट है वो वेव ऑफ कर देना चाहिए, वैक्सीन देश में बनने चाहिए जिससे कि ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके। सही बात करी, लेकिन हमने परसों सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने बोला कि नहीं, हम सेक्शन 90 ऑफ द पेटेंट एक्ट के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी वक्त ठीक नहीं है और ये इतना ईजी नहीं है करना। तो आप WTO में जाकर एक बात कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। ये कंफ्यूजन है, मॉरल कंपस फेल हो चुका है आपका, आपके बाएं हाथ को दाहिने का नहीं पता है। क्योंकि एक तथ्य तो है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक मिलाकर भी जुलाई तक सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ वैक्सीन अपनी फुल कैपेसिटी पर बना पाएंगे। आपको ज्यादा वैक्सीन चाहिए होंगे और वो वैक्सीन तभी बन पाएंगे जब आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग अंडर सेक्शन 90 ऑफ द पेटेंट एक्ट को ओपन करिएगा। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है मेरी समझ से बाहर है। इस समय भयावह स्थिति है और वैक्सीनेशन जितने पुरजोर तरीके से हो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार का मुझे समझ में नहीं आ रहा है WTO में कुछ कहना, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहना और 87% वैक्सीनेशन का गिर जाना अपने आप में परिचय देता है कि प्राथमिकता क्या है, मैं समझ नहीं पा रही।